आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा, उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है।